खबर फतेहपुर से है, जहां जनपद फतेहपुर में लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है। आपको बताते चले कि जनपद फतेहपुर के बिंदकी थाना क्षेत्र के जुनिया चौक अंतर्गत फरीदपुर स्थित अक्सा गेस्ट हाउस में विगत 22 जून को मौसेरी बहन की शादी समारोह में शामिल होने पहुंची युवती जो अचानक गायब हो गई। परिवार जनों ने युवती की काफी खोजबीन की, लेकिन युवती का कहीं पता नहीं चला। 23 जून को सुबह मैरिज हॉल में लगभग 500 मीटर दूरी पर निर्माणाधीन मकान के अंदर लहूलुहान हालत में युवती मिली। युवती के शरीर पर कई हिस्सों में गंभीर चोट के निशान थे। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया है, लेकिन डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया, जहां 3 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही लड़की कानून हैलट में दम तोड़ दिया। कानपुर हैलट में दम तोड़ दिया। फतेहपुर पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए मुख्य आरोपी सिकंदर उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। 22 जून की रात्रि में एक लड़की शादी समारोह में शामिल होने बिंदकी गई थी। वहां पे इसके साथ दुष्कर्म की घटना करने के बाद इसे घायल कर दिया गया था, जिसका इलाज हैलट हॉस्पिटल लखनऊ में कानपुर में चल रहा था, जिसकी आज डेथ हो गई है। अभियुक्त को तत्काल अरेस्ट कर लिया गया था, उसे जेल भेजा गया था 376 IPC में, 307 IPC में। आज ज्ञात हुआ कि लड़की की डेथ हो गई है, इसमें 302 धारा की बढ़ोतरी की जा रही है। पीएचना से ये पता चला कि लड़की का परिवार सूरत में रहता है, अपने गांव भी आते जाते हैं। लड़की का ट्रेवल्स बस की बसें चलती हैं, सूरत जाती हैं बसें इसकी, वहीं से आना जाना इन लोगों का परिचित हुआ। काफ़ी दिनों से परिचित थे, एक दूसरे से बातचीत होती थी। बातचीत के दौरान ही लड़का वहां मैरिज होम पहुंचता है और आपस में लोग मिलते हैं। वहां पर दुष्कर्म की घटना का कारित करके और उसको घायल कर दिया था, जिसकी आज डेथ हो गई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और भी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इसमें और भी अगर कोई इन्वॉल्व होगा और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।